નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ, હાઉ આર યુ? ટુડે વી આર ગોઈંગ ટુ લર્ન અબાઉટ બારાખડી. ઓકે, તો અગલી વિડીયો મેં હમને કહા તક કી બારાખડી સીખી થી. કહા તક કી? પ, પી, ફ, બ, यहाँ तक की बारहखड़ी सीखी थी ना, आज हम उसके बाद की बारहखड़ी सीखेंगे. तो बताओ, म के बाद कौन सा लेटर आता है, कौन सा वर्ण आता है? म के बाद, राइट, म के बाद कौन सा वर्ण आता है? य. तो अब हम य की बारहखड़ी सीखेंगे. तो बताओ, य के साथ अ की मात्रा मिलाएंगे तो क्या बनेगा? य. य के साथ हम अ की मात्रा मिलाएंगे तो य बनेगा. फिर य के साथ आ की मात्रा मिलाएंगे तो राइट, क्या बनेगा? या. य के साथ आ की मात्रा मिलाएंगे तो या बनेगा. फिर य के साथ छोटी ई की मात्रा, य के साथ छोटी ई की मात्रा मिलाएंगे तो यानी के ह्रस्व ई, तो क्या बनेगा? यी. फिर य के साथ बड़ी ई की मात्रा, तो य के साथ बड़ी ई की मात्रा मिलाएंगे तो यी, क्या बनेगा? यी. फिर य के साथ छोटे उ की मात्रा मिलाएंगे तो यू, क्या बनेगा? यू. फिर य के साथ बड़ी उ की मात्रा, य के साथ बड़ी उ की मात्रा मिलाएंगे तो यू, क्या बनेगा? यू. फिर य के साथ ए की मात्रा, तो य के साथ ए की मात्रा मिलाएंगे तो ये बनेगा, क्या बनेगा? ये. फिर य के साथ ऐ की मात्रा, य के साथ ऐ की मात्रा मिलाएंगे तो यही बनेगा, क्या बनेगा? यही. फिर य के साथ ओ की मात्रा, य के साथ ओ की मात्रा मिलेगी तो यो बनेगा, क्या बनेगा? यो. फिर य के साथ ओ की मात्रा, तो य के साथ ओ की मात्रा मिलेगी तो यौ, क्या बनेगा? यौ. फिर य के साथ अंक की मात्रा, तो यंग, य के साथ अंक की मात्रा मिलेगी तो यंग बनेगा. और फिर य के साथ अ की मात्रा, तो बन गया यहाँ. ओके, अब हम इसको पढ़ेंगे. तो पहले य, या, फिर यी, यी, यू, यू, ये, यई, यो, यौ, यम और यहाँ. ओके, फिर य के बाद कौन सा वर्ण आता है? राइट, कौन सा वर्ण आता है? र. अब हम र के बारे में लिखेंगे. तो पहले र के साथ अ की मात्रा मिलेगी तो क्या बनेगा? र. फिर र के साथ आ की मात्रा मिलेगी तो राइट, क्या बनेगा? रा. फिर र के साथ छोटी की मात्रा, तो री. फिर र के साथ बड़ी की मात्रा, तो क्या बनेगा? री. फिर र के साथ छोटे की मात्रा, तो र में छोटे उ की मात्रा आपको यहाँ पे लगानी है, देखा आपको आपने? यू. फिर र के साथ बड़ी उ की मात्रा, तो इसको कैसे लगानी है? ऐसे. और इसको ऐसे. रू. फिर र के साथ ए की मात्रा मिलेगी तो रे बनेगा. फिर य के साथ ए की मात्रा मिलेगी तो रई, क्या बनेगा? रई. फिर र के साथ ओ की मात्रा, र के साथ ओ की मात्रा मिलेगी तो रो बनेगा, क्या बनेगा? रो. फिर र के साथ ओ की मात्रा, र के साथ ओ की मात्रा मिलेगी तो रो, क्या बनेगा? रो. फिर र के साथ अ की मात्रा, तो र के साथ अ की मात्रा मिलेगी तो रंग. वेरी गुड, क्या बनेगा? रंग. और फिर र के साथ अ की मात्रा, तो क्या बन जाएगा? र. तो अब हम इसको पढ़ते हैं. तो पहले र, फिर रा, फिर री, री, रू,
राहु राम और रामा। ओके फिर र के बाद कौन सा वर्ण आता है? रा है कौन सा? ल। अब हम ल की मात्रा काटे लिखेंगे, तो पहले ल के साथ अ की मात्रा मिलेगी तो क्या बनेगा? राय। क्या बनेगा? ल। फिर ल के साथ आ की मात्रा मिलेगी तो ला बनेगा। ल के साथ आ की मात्रा मिलेगी तो ला बनेगा। फिर ल के साथ छोटी की मात्रा मिलेगी तो ली। क्या बनेगा? ली। फिर ल के साथ बड़ी की मात्रा तो ली। क्या बनेगा? ली। फिर ल के साथ छोटे उ की मात्रा तो लू। क्या बनेगा? लू। फिर ल के साथ बड़ी उ की मात्रा मिलेगी तो क्या बनेगा बताओ? राइट। क्या बनेगा? लू। फिर ल के साथ ए की मात्रा, तो ल के साथ ए की मात्रा मिलेगी तो ले बनेगा। फिर ल के साथ ऐ की मात्रा, तो ल के साथ ऐ की मात्रा मिलेगी तो लय बनेगा। फिर ल के साथ ओ की मात्रा, तो ल के साथ ओ की मात्रा मिलेगी तो लो बनेगा। फिर ल के साथ ओ की मात्रा, तो ल के साथ ओ की मात्रा मिलेगी तो लव। क्या बनेगा? लव। फिर ल के साथ अंक की मात्रा, तो ल के साथ अंक की मात्रा मिलेगी तो लंग बनेगा। और फिर ल के साथ अह की मात्रा, तो क्या बन जाएगा? चाय। क्या बन जाएगा? लव। तो लव। फिर ल के साथ अ की मात्रा ला। फिर ल के साथ छोटी की मात्रा ली। फिर ल के साथ बड़ी की मात्रा ली। फिर ल के साथ छोटे उ की मात्रा लू। फिर ल के साथ बड़े उ की मात्रा लू। फिर ल के साथ ए की मात्रा तो ले। फिर ल के साथ ऐ की मात्रा लय। फिर ल के साथ ओ की मात्रा तो लो। फिर ल के साथ औ की मात्रा तो लव। फिर लम। और फिर ल के साथ अह की मात्रा तो लव। ओके ल ला ली ली लू लू ले लय लो लव नम और लह। ओके फिर ल के बाद कौन सा वर्ण आता है? राइट। कौन सा वर्ण आता है? व। अब हम व की बारे में सीखेंगे, तो बताओ व के साथ अ की मात्रा मिलेगी तो क्या बनेगा? व। फिर व के साथ आ की मात्रा मिलेगी तो वा बनेगा। फिर व के साथ छोटी की मात्रा, व के साथ छोटी की मात्रा मिलेगी तो वी। क्या बनेगा? वी। फिर व के साथ बड़ी की मात्रा तो वी। क्या बनेगा? वी। फिर व के साथ छोटे उ की मात्रा, तो व के साथ छोटे उ की मात्रा मिलेगी तो वू। वू बनेगा। फिर व के साथ बड़े उ की मात्रा, तो व के साथ बड़े उ की मात्रा मिलेगी तो वू। क्या बनेगा? वू। फिर व के साथ ए की मात्रा तो वे। व के साथ ए की मात्रा मिलेगी तो वे बनेगा। फिर व के साथ ऐ की मात्रा, व के साथ ऐ की मात्रा मिलेगी तो राइट। क्या बनेगा? वही। फिर व के साथ ओ की मात्रा, तो बताओ व के साथ ओ की मात्रा मिलेगी तो क्या बनेगा? राइट। क्या बनेगा? वो। फिर व के साथ ओ की मात्रा, तो बन गया वो। फिर व के साथ अंक की मात्रा तो व। और फिर व के साथ अह की मात्रा, तो क्या बन जाएगा? व। तो पहले व के साथ अ की मात्रा मिली तो व। फिर वा। फिर वी। वी वु। वु वे वई वो वव वम और वह। फिर व के बाद कौन सा वर्ण आता है? राइट। कौन सा वर्ण आता है? श। अब हम श के बारे में लिखेंगे, तो पहले श के साथ अ की मात्रा मिलेगी तो क्या बनेगा?
के साथ ए की मात्रा, तो श के साथ ए की मात्रा मिलेगी तो शे बनेगा। फिर श के साथ अल की मात्रा, तो शय बन जाएगा। फिर श के साथ ओ की मात्रा, तो बताओ श के साथ ओ की मात्रा मिलेगी तो क्या बनेगा? वेरी गुड, क्या बनेगा? शो। फिर श के साथ ओ की मात्रा, तो शो। फिर श के साथ अं की मात्रा, तो शन। और फिर श के साथ अ की मात्रा, तो शह बनेगा। ओके, तो पहले श के साथ अ की मात्रा मिली तो श बना। फिर श के साथ आ की मात्रा मिली तो शा। फिर शी, शी, शू, शू, शे, शै, शो, शव, शम और शह। तो आज हमने कौन कौन से वर्ण दोबारा खड़े सीखी? य, र, ल, व और श। ओके, तो आपको ये वर्ण खड़ी अपनी बुक में लिख लेनी है। ओके, और अगले वर्णों की वर्ण खड़ी हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।